वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर विद्यादीप्ति ऑनलाइन एजुकेशन। पूर्व क्लास रे हम पढ़ी पोषण विषय रे, आज हम पढ़ा पोषण रो प्रकार भेद, पोषण केते प्रकार एवं कौन कौन। पे पोषण है दुई प्रकार, प्रथम स्वभोजी पोषण, अन्यटी है परभोजी पोषण। स्वभोजी परभोजी, स्वभोजी कह आमें ऑटोट्रॉफिक, परभोजी कहपर हेटरोट्रॉफिक। स्वभोजी आज आम पढ़ा स्वभोजी पोषण विषय। स्वभोजी कौन ना प्रथम है कौन स्वभोजी कौन, जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से मानक जाए स्वभोजी। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से ही मानू से कहुए स्वभोजी। उदाहरण के किए पत्र हरी उद्भिद और नील हरी शैवाल, पत्र हरी जो उद्भिद पत्र हरी क्लोरोफिल रही थाए से उद्भिद गोटे उदाहरण, एवं नील हरी शैवाल एवं कौन नील हरी शैवाल। अन्य उदाहरण कौन ना नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया, गंधक बैक्टीरिया, यही चारोटी है उदाहरण स्वभोजी उदाहरण। स्वभोजी, स्वभोजी कहले जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से मानक कहुए स्वभोजी। उदाहरण है क्लोरोफिल थिबा उद्भिद, जो उद्भिद पत्र हरित थाए बा क्लोरोफिल थाए से तार उदाहरण। अन्यटी है नील हरित शैवाल, अन्यटी है कौन नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया आ गंधक बैक्टीरिया, चारोटी है आर उदाहरण। किंतु ए चारोटी प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रक्रिया रे, ए दुईटी भिन्न प्रक्रिया रे, ए दुईटी भिन्न प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। दुईटी आमर रही पत्र हरी उद्भिद एवं नील हरी शैवाल, ए दुईटी जीव कौन करती ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे, आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती, अर्थात निजर खाद्य प्रस्तुत करती आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे। आलोक श्लेषण कौन, आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन ना सूर्यालोकर उपस्थिति रे, सूर्यालोकर उपस्थिति रे हरित लवक द्वारा अंगारकाम्ल और जलर विनियोग घटाई, अंगारकाम्ल और जलर विनियोग घटाई उद्भिद माने यथा पत्र होती उद्भिद माने एवं निर्वृत्ति शैवाल माने गोटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती, श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। ता सहित जल एवं अम्लजान मध्य निर्गत हुए। ग्लुकोज को मन रखापी मुझे आपण को सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स एटी तार बर्तमान उपयोग हो। देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन, एक क्वेश्चन मन कर देख सूर्यालोकर उपस्थित रे हरित लवक, सूर्यालोकर उपस्थित रे हरित लवक द्वारा अंगारकाम्ल और जलर विनियोग घटी एक श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत हुए, ता सहित जल एवं अम्लजान निर्गत हुए। ये हैला यही प्रक्रिया को कहुए आलोक श्लेषण प्रक्रिया। CO2 कहले कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अंगारकाम्ल, H2O कहले जल, तुम जानी C6H12O6 कहले ग्लुकोज, ग्लुकोज है गोटे श्वेतसार खाद्य कही H2O जल बाहरला, सिक्स H2O बाहरला, ता सहित छटी अम्लजान अणु। देख छटी अंगारकाम्ल विनियोग होता, बारटी जल अणु विनियोग होता, किंतु बाहरला कौन है ना श्वेतसार जातीय खाद्य सहित छटी जल अणु एवं छटी अम्लजान बाहर, ये आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तेणु यही
जो सहजीवी द्वारा घटुवा पोषण प्रक्रिया को कहा जाए सहभोजी पोषण। तेणु सहभोजी मान सहभोजी मानकर पोषण प्रक्रिया को कहा जाए सहभोजी पोषण। सहभोजी मानकर पोषण प्रक्रिया को कहा जाए सहभोजी पोषण। से हीपरि कौन ना नाइट्रेट प्रस्तुत करने बैक्टीरिया क्यों प्रणाली करती क्यों प्रक्रिया ना रसायन श्लेषण प्रक्रिया। ये जो नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया आ गंधक बैक्टीरिया को आम कहीपर रसायन श्लेषण बैक्टीरियापर ए रसायन श्लेषण बैक्टीरियापर रसायन श्लेषण एमाने रसायन श्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रस्तुत करती किपर ना ये नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया और गंधक बैक्टीरिया जैविक अजैविक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया मध्यम रासायनिक शक्ति आहरण करती। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया और गंधक बैक्टीरिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया और गंधक बैक्टीरिया अजैविक रासायनिक प्रक्रिया मध्यम अजैविक रासायनिक प्रक्रिया मध्यम रासायनिक शक्ति आहरण करती। यही प्रक्रिया को कहा जाए रसायन श्लेषण प्रक्रिया। तेणु यही दुईटी जीव आलोक श्लेषण प्रक्रिया बोले ये दुईटी है रसायन श्लेषण प्रक्रिया। आर क्वेश्चन नहीं जी NH3 कहले कौन ना एमोनिया ओ टू कहले अम्लजान। नाइट्रेट बैक्टीरिया उपस्थिति रे कौन दूसरी ना नाइट्रस अम्ल सहित जल एवं रासायनिक शक्ति एनर्जी कहले शक्ति रासायनिक शक्ति एठे शक्ति कहले रासायनिक शक्ति। तेणु देख ये टू एन एच थ्री एमोनिया दुईटी एमोनिया दुईटी एमोनिया अणु प्लस थ्री ओ टू तीनो अम्लजान अणु विनिजोग घटला कार उपस्थिति रे ना नाइट्रेट बैक्टीरिया उपस्थिति रे बा नाइट्रेट नाइट्रेट बैक्टीरिया द्वारा कौन सृष्टि है नाइट्रस अम्ल सहित टू एच टू दुईटी जल अणु एवं रासायनिक शक्ति एनर्जी कहले रासायनिक शक्ति। आउ गोटे उदाहरण देसी एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड अम्लजान विनिजोग घटी गंधक बैक्टीरिया उपस्थिति बा गंधक बैक्टीरिया द्वारा दुईटी जल अणु दुईटी सल्फर एवं शेष कौन है रासायनिक शक्ति एनर्जी ये है रासायनिक रसायन श्लेषण प्रक्रिया। रासायन श्लेषण प्रक्रिया एदिका मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ता सहित आर उदाहरण से आलोक श्लेषण इम्पोर्टेंट परवर्ती क्लास गुड़िक आम पढ़ा आलोक श्लेषण विषय अधिकांश पढ़ा। तेणु एम्पोर्टेंट कौन कौन ना सहभोजी कौन आर उदाहरण आलोक श्लेषण रसायन श्लेषण एवं रसायन श्लेषण उदाहरण विषय इम्पोर्टेंट है। तेणु एगुड़िक मन दे घर पढ़व कौन सी डाउट हेले पचार बर्तमान बढ़िया परभोजी पोषण सहभोजी पोषण पढ़ले परभोजी पोषण परभोजी पोषण पढ़ा पूर्वर परभोजी कौन प्रथम जाना उचित परभोजी कौन ना जो जीव मान निज खाद्य निजे प्रस्तुत नक अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव निर्भरशील से मानक परभोजी। पुणि थर कह जो जीव मान निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करी अन्य उद्भिद किंबा प्राणी उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव निर्भर करती से मानक परभोजी। आउ से द्वारा घटुवा पोषण प्रक्रिया को कहा जाए परभोजी पोषण। यही जीव मान द्वारा घटुवा पोषण प्रक्रिया को कहा जाए परभोजी पोषण। उद्भिदर उदाहरण नेबा मलांग निर्मूली राफ्रेसिया
तीनोटी है उद्भिदर उदाहरण कवक एवं अधिकांश बैक्टीरिया परभोजी अंतर्गत मलांग निर्मूली राप्लेसिया उद्भिद गुड़िकला परभोजी परभोजी जीव कवक एवं अधिकांश बैक्टीरिया गुड़िक परभोजी अंतर्गत जो यही मानकर पोषण प्रणाली को यही मानकर पोषण प्रणाली को कहुए परभोजी पोषण पोषण परभोजी पोषण है चार प्रकार परभोजी पोषण को चार भाग विभक्त कर प्रथम है प्राणी सम होलोजोइक द्वितीय मृतपजीवीय साप्रोफाइटिक तृतीय है परजीवीय पारासाइटिक चतुर्थी है सहजीवीय सिम्बायोटिक चारोटी विषय आम पूर्व क्लास रे परवर्ती क्लास डिटेल पढ़ा पुण् कौन परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण जाणी पूर्व प्रथम परभोजी कौन जाना उचित परभोजी कौन ना जो जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत नक अन्य उद्भिद किंवा प्राणी उपरे प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष भाव निर्भर करती से कहुए परभोजी उदाहरण उद्भिद उदाहरण है मलांग निर्मूली राफ्लेसिया से प्राणी रे कवक एवं अधिकांश बैक्टीरिया एवं अन्य प्राणी यही जो जीव मानकर पोषण प्रणाली को कहुए पोषण परभोजी पोषण परभोजी पोषण है चार भाग विभक्त कराई अर्थात चार प्रकार प्राणी सम होलोजोइक मृतपजीव्य साप्रोफाइटिक परजीवीय पारासाइटिक आ चतुर्थी है शेषटी सहजीवीय और सिम्बायोटिक परवर्ती क्लास रे आम यही चारोटी पोषण विषय डिटेल पढ़ा एदी कौन डाउट थाए कमेंट सेक्शन मध्यम डाउट पचारे लाइक शेयर कमेंट इत्यादि करें।